मुझको पुकारे। अरे इंदू, दुनिया जाए अब 12 के भाव में। कल मैंने एक बहुत बड़ी डील की मिस्टर मकवाना के साथ में। एक नई पार्टी है जिन्होंने मेरे थ्रू शेयर्स खरीदे, और वो भी 25 लाख के। 25 लाख? लेकिन आपने तो पहले कभी बताया ही नहीं इसके बारे में। अरे ये सब इतना अचानक हुआ कि कल देर रात मिस्टर मकवाना मेरे पास आए, उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए दिए और आज सुबह मैंने उनके लिए शेयर्स खरीद लिए। अच्छा खासा कमीशन मिला है इंदू। इसका मतलब हमें जो पापू जी को घर खर्च के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो 4-5 महीनों के लिए तो इंतजाम हो गया समझो। अरे उससे भी ज्यादा। हेलो, मैं मिस्टर मकवाना बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर मकवाना, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं अभी आप ही के बारे में बात कर रहा था, कहिए कैसे याद किया? मिस्टर मनर, मैंने जो आपको 25 लाख रुपए डिपॉजिट के तौर पर दिए थे वो मुझे वापस चाहिए। अरे सर ऐसा मजाक मत कीजिए, वरना मैं जाऊंगा 12 के भाव में। वैसे मैंने आपके 25 लाख के शेयर्स खरीद लिए। शेयर्स? कौन से शेयर्स? वही शेयर्स जिनके लिए आपके ऑफिस से मुझे फोन आया था। आपके सेक्रेटरी ने तो मुझे कहा था। हेलो, मैंने ऐसा कोई भी फोन आपको नहीं करवाया था, और मुझे कोई शेयर्स नहीं लेने। मुझे अपने 25 लाख रुपए वापस चाहिए। लेकिन मकवाना साहब, वो फोन आया तो मैं। अगर आपको ऐसा कोई फोन आया भी था तो कम से कम आपको मुझसे कंफर्म कर लेना चाहिए था। हम 25 पैसे की नहीं 25 लाख रुपए की बात कर रहे हैं मिस्टर मनर। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। लेकिन वो 25 लाख मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो उनके शेयर्स खरीद लिए। देखिए आप कुछ वक्त रुक जाइए, जैसे इन शेयर्स के दाम बढ़ेंगे मैं आपको 25 लाख के साथ प्रॉफिट भी करवा के दूंगा। ये सब मुझे नहीं सुनना है। आज दोपहर तक का वक्त है आपके पास। या तो आप मेरे 25 लाख रुपए वापस करें, या तो दोपहर के बाद मैं खुद आऊंगा आपके घर अपने पैसे लेने, वो भी पुलिस के साथ। क्या हुआ? मकवाना का फोन था और वो अपने 25 लाख वापस मांग रहा है। हेलो द्वारकादास जी, जैसा आपने कहा था मैंने आपका काम कर दिया है। 25 लाख कहाँ से लाएंगे हम लोग? इंदू, जो शेयर्स खरीदे हैं अगर उन्हें बेचूं तो भी थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन आज दोपहर तक कहाँ से लूं मैं 25 लाख रुपए? और अगर वो मकवाना आ धमका इस घर में, और वो भी पुलिस के साथ। सुनो, हम बापूजी के पास चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। चलो चलो बापूजी के पास चलो चलो। 25 लाख? और इतना पैसा इनके पास भी कहाँ है मन्नर बेटा, तुम जानते तो हो। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता था, जो करो अच्छी तरह सोच समझ कर करो। बापूजी, ये सारी बातें बाद में भी हो जाएंगी, अभी फिलहाल हमें 25 लाख की जरूरत है, और वो भी दोपहर से पहले। नहीं तो वो आदमी पुलिस लेके यहाँ आ जाएगा। पुलिस? अब इतनी जल्दी इतना ज्यादा पैसा मैं कहाँ से लाऊं सुनंदा? बापूजी, वो मीठी बाग के नाम पे जो आपने 6 लाख का FD करवाया है वो तोड़वा दीजिए ना। नहीं इंदिरा बहू, वो पैसे मिठीबा के इलाज और दवाइयों के लिए है। और इंदिरा बहू, तुम तो जानती हो ना मिठीबा की कितनी दवाइयां चालू है। इस उम्र में अनहोनी का पता तो रहता ही नहीं है। कल को भगवान ना करे उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो किसके आगे हाथ फैलाएंगे। लेकिन माँ, मैं कौन सा सालों के लिए मांग रहा हूँ वो पैसे? कुछ दिनों बाद वापस लौटा दूंगा, और फिर से डिपॉजिट करा देना आप लोग।
हाँ, लेकिन मनहर बेटा, उसे 25 लाख रुपए की जरूरत है। 6 लाख से क्या होगा बेटा? एटलीस्ट 6 लाख देकर कुछ दिनों के लिए उसका मुंह बंद हो जाएगा। हाँ माँ, बाकी के पैसे बाद में लौटा देंगे ना माँ। देखो मनहर, मुझे गलत मत समझना बेटा, तुम्हारा यह शेयर बाजार कितना ऊपर नीचे चलता रहता है, कल अगर ये पैसे अटक गए या डूब गए तो हमें और जरूरत पड़ी तो किसे मांगेंगे हम? बात मेरी बीमारी की होती तो मैं 1 मिनट नहीं सोचता और सब पैसे तुम्हें दे देता, लेकिन मनहर, मीठी बा के लिए नहीं बेटा, इतना बड़ा जोखिम मैं नहीं ले सकता, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मेरी बैंक में जितने पैसे हैं वो ले लो, अगर उसे कुछ काम हो सकता है तो। बापूजी, मुझे हजारों की नहीं लाखों की जरूरत है, और आपके अकाउंट में जितने रुपए हैं उनसे तो कुछ नहीं होना। अब क्या करेगा बेटा तू? देखता हूँ माँ, आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो पता नहीं अब क्या होगा। देख लिया ना आपने, ये हैं आपके सगे। अरे आपके पिता हैं, लेकिन फिर भी बुरे वक्त में उन्होंने हाथ झाड़ लिया अपना। अरे मकवाना में और बापूजी में फर्क ही क्या रह गया? दोनों ने ही अपनी दुश्मनी निकाल ली ना हमसे। मैं बाजार से इंटरेस्ट पर पैसे उठाता हूँ, एक दोस्त है मेरा, उसी से बात करता हूँ। बोल मोल के बोलूं तो परेशान क्यों लग रहे हो तुम दोनों? मनहर बेटा, खैरियत तो है ना? मैं कोई हेल्प कर सकता हूं तो? हाँ, वो मुझे। नहीं नहीं डैडी जी, अब इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि हम आपको परेशान करें, हम संभाल लेंगे, है ना? हाँ, हम संभाल लेंगे। चले, क्या क्या संभालोगे मनहर बेटा? द्वारकादास जो बिगाड़ता है वो सिर्फ द्वारकादास ही संभाल सकता है। तोल मोल के बोलूं तो वक्त बहुत कम बचा है तुम्हारे पास। सचमुच मीठी बा, आपने शादी से पहले बड़े दादाजी को कभी नहीं देखा था? और नहीं तो क्या, यहाँ घर में भी घूंघट ताने बैठी रहती थी, तेरी तरह नहीं, हमेशा बाहर बैठ के टीवी देखती रहती है। मीठी बा, आपके जमाने में टीवी नहीं था ना, ये तो आप भी टीवी देखती घूंघट तान के। अच्छा जानकी, वो मेरा सबसे शैतान पर पुत्र कहाँ है? मीठी बा, वो किसी मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन गया है, कल सुबह तक आ जाएगा। अच्छा ठीक। 6 बज गए, पता नहीं पैसों का इंतजाम हुआ भी है कि नहीं, कब से गए हुए हैं ये। भाभी, क्या बात है, घर में इतनी शांति है? मेरा मतलब है, आज आप गाना नहीं गा रही, कौन सा था वो भावना? आज कल पांव जमीन पर, ऐसा ही कुछ था ना? क्या बात है भाभी, कोई टेंशन है? क्या हुआ, 25 लाख का इंतजाम हुआ? तो 25 लाख तो क्या, 25 रुपए भी उधार नहीं मिले तो सचमुच गया मैं 12 के भाव में। हे भगवान, अगर वो मकवाना आ गया पुलिस लेकर तो?
यही है मनरगी वाला जो मेरे पैसे नहीं लौटा रहा और उन्हीं पैसों से अपना बिजनेस कर रहा है। मिस्टर मनरगी वाला, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने इनसे पैसे जरूर लिए हैं, लेकिन किसी गलतफहमी के रहते वो इसने इन्हीं के लिए इस्तेमाल भी किया। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ वक्त दीजिए हमें, हम आपके पैसे विथ इंटरेस्ट लौटा देंगे। सॉरी, मैंने इन्हें आज का दिन दिया था, अब और नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी, इसी वक्त, नहीं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं चुका दूंगा आपकी पाई पाई, बस कुछ मोहलत हमें और दीजिए। इंस्पेक्टर, मिस्टर मनहर, आप चाहे तो हमारे साथ कॉपरेट करके चल सकते हैं, वरना हमें हथकड़ी पहना के आपको ले जाना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, हम सब आपसे वादा करते हैं, हम इनकी पाई पाई चुका देंगे। अरे जो आदमी सुबह से शाम तक 25 लाख तो क्या, 1 लाख तक नहीं जुटा पाया, उसे मैं और वक्त दे दूं? क्यों? अब तो मैं अपनी कंप्लेंट तब वापस लूंगा जब मुझे पूरे 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। चलिए इंस्पेक्टर। बाबूजी, 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 रोकिए, नहीं, बाबूजी कुछ कीजिए। सुनो कांति बेटा, तुम फौरन ही इसी वक्त घर आओ, और सुनो हरी जहां भी है उसको भी साथ ले आओ। मकवाना, इंसान कुछ ठीक नहीं लगा मुझे, हमें कैसे भी उसके पैसे वापस करने होंगे। जी काका, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं मेरे पापा से बात करूं? वो हमारी मदद जरूर करेंगे। जानकी, तुम नहीं बेटा, मुश्किल हमारी है तो समाधान हमें ही ढूंढना होगा। समधी जी से पैसे लेना ठीक नहीं लगता। ऐसे में भी आपको झूठी शान की चिंता है अपनी, वो वहां पुलिस स्टेशन में, और आप,
अगर सुबह ही आपने मीठी बाग के फिक्स डिपॉजिट के पैसे दे दिए होते तो ये नौबत नहीं आती बाबूजी। वो हमें थोड़ी सी मोहलत तो दे देता कम से कम। पता नहीं इस घर में कौन अपना है और कौन पराया। सुनिए जी, ये लीजिए। माँ के गहने तो उसका घर परिवार और उसकी औलाद है। अगर वही मुश्किल में हो तो इस परेशानी में ये गहने ही मेरे बेटे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। दादी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी काका, ये गहने तो इसी घर की पूंजी है ना। आज सही मायनों में इनकी कीमत हमारे काम आएगी। ये लीजिए प्लीज जी काका, मना मत कीजिए। जी काका, ये 1.5 लाख रुपए है। मेरे गहने, इतने कम समय में मैं और महेश इतना इकट्ठा कर पाए। मैं अपने गहने अभी लेकर आती हूँ। रुको बहू रानी, एक पल को लगा था कि मैं बहुत अकेला हो गया हूं इस मुश्किल घड़ी में, लेकिन देखो सुनंदा, हे बच्चे बड़े हो गए, अब तुम सब बच्चे ही मेरा गुरूर हो। और अब तो मेरी हिम्मत भी, लेकिन ये सब ले लो वापस, क्योंकि अपने बेटे के लिए उसका ये बाप ही अपना फर्ज पूरा करेगा। जहां तक मैं देख सकता हूं, शायद वहां तुम लोग अभी नहीं देख पाओगे, इसलिए ये 25 लाख मुझे ही लाने दो। ये मनहर और इस घर के लिए अच्छा है। लेकिन आप लाएंगे कहां से? ये बापूजी भी ना खुद कुछ करेंगे ना औरों को कुछ करने देंगे। इतनी उम्र हो गई है उनकी, लेकिन रोप झाड़ना बंद नहीं होता है उनका। हर बात में अपना ही हुक्म चलाएंगे वो। अरे क्या जरूरत थी जानकी को मना करने की? प्रताप जी के लिए तो 25 लाख रुपए उनके हाथ का मैल है, लेकिन नहीं, उनकी ये झूठी शान के झंडे गाड़कर अगर वो मुझे 25 लाख तो क्या 25,000 भी लाकर दे दे तो मैं मान जाऊं उनको। अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगू? मैं परेशान क्यों लग रहे हो तुम दोनों? मैं कोई हेल्प कर सकता हूं तो? हाँ, कोकिला के डैडी। पर अगर मैंने उनसे मदद मांगी तो कोकिला जिंदगी भर मुझसे गुलामी करवाएगी, जीना हराम कर देगी मेरा वो। हे भगवान, मैं क्या करूं, क्या करूं, अब मैं क्या करूं?
नमस्ते गिरधारी लाल जी। अरे नमस्ते गोपालदास जी, आइए बैठिए। गोपालदास जी, आपको तो आज तक हम जैसे सूदखोरों की चौखट पर पैर रखते हमने कभी नहीं देखा, फिर आज आप। जिंदगी कभी कभी अनचाहे रस्तों पर कदम ले ही लेती है, बस अब अगर तुम कर सकते हो तो इतनी मदद कर दो, हमें 25 लाख चाहिए। मिल जाएंगे 25 लाख? क्या 50 लाख मिल जाएंगे? लेकिन कायदे कानून तो आप जानते ही हैं देनदारी के, बिना गिरवी रखे नहीं दे सकते, यही ना। लीजिए ये रख लीजिए। डरो नहीं, मैं जो गिरवी रख रहा हूं उसकी कीमत 25 लाख से भी कहीं ज्यादा है। ये मेरे घर के पेपर्स हैं। मैं अपना मिठीबा मेंशन गिरवी रख रहा हूं।